गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल द स्टूडेंट्स ओपन योर ईवीएस डिस्कवरिंग बुक। सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी अपनी डिस्कवरिंग बुक ईवीएस की ओपन करेंगे। अरे अब बच्चे ईशानी, गुंजन एंड दिव्यांशी अपना कैमरा ऑन करिए। आराध्या, आरुष, अपना जो है वो कैमरा ऑन करिए। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने बिग एंड स्मॉल एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। बिग एनिमल मैंने बताया था आपको कि बिग एनिमल मीन्स कि बहुत ज्यादा जो है बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। स्मॉल एनिमल्स मीन्स जो छोटे होते हैं, जैसे माउस, कैट, डॉग। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपने घर में जो है वो पालते हैं, और घर में या फार्म में उनको पालते हैं हम, और जो है उनका यूज जो है हम करते हैं, जैसे लेबरर के रूप में भी उसका यूज जो है वो हम करते हैं। जैसे काउ है, बुफेलो है, हॉर्स है, कैमल है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। जैसे काउ और बुफेलो हमें मिल्क देते हैं, तो हम इसीलिए उनको पालते हैं अपने हाउस में, घर में या फार्म में। और हॉर्स और कैमल था तो उसको जो है हम जो है वो लोड को उठाने के लिए, भार होने के लिए हम उसका जो है वो यूज करते हैं। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स की पेट एनिमल्स क्या होते हैं? पेट एनिमल्स क्या होते हैं? तो पेट एनिमल्स में है दीज आर सम एनिमल्स, दीज आर सम एनिमल्स दैट आर कैप्ट एट होम फॉर कंपनी एज पेट्स। क्या बोला है? देयर आर सम एनिमल्स दैट आर कैप्ट एट होम फॉर कंपनी एज पेट्स। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपनी कंपनी के लिए, अपने मतलब उनको घर में हम पालते हैं कंपनी के लिए। तो वो कौन से हैं? जैसे डॉग्स, कैट, रैबिट, हम जो है आर कॉमन पेट्स। इस टाइप के एनिमल्स जो हैं उनको हम घर में पालते हैं। आजकल देखा जाए तो हर घर में जो है डॉग जो है वो पेट रखा होता है सभी ने। रैबिट को भी पालते हैं कुछ लोग, कैट को भी पालते हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पेट एनिमल्स हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर पेट्स। हमें जो है अपने पेट की, हमने जो पेट पाले होते हैं, जो तो हमारे पालतू होते हैं पेट, उनकी हमें क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट फीड देम प्रॉपरली एंड ट्रीट देम एज अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। हमें उनके उनको जो है वो खाना, उनको वाटर, उनको नहलाना, जो है वो उनका हर काम जो है वो हमें प्रॉपरली करना चाहिए।
एंड ट्रीट देम एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, और ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो हमारे क्या है, फैमिली मेंबर हैं, हमारी जो है वो फैमिली का ही पार्ट है। तो पेट एनिमल कौन से एनिमल होते हैं जिनको हम एज अ पेट जो है वो अपने घर में पालते हैं, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉग, रैबिट, कैट, ये सारे क्या हैं, ये है पेट एनिमल। तो बोला है कि इन पेट्स की हमें प्रॉपर जो है वो देखभाल करनी चाहिए, इनको प्रॉपर जो है वो फीड देनी चाहिए। तो बच्चे हमें जो है वो इन पेट एनिमल्स को जो है वो प्रॉपरली भोजन, खाना जो है वो प्रॉपरली देना चाहिए, और वो हमें उनके साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए, ऐसे उनकी केयर करनी चाहिए ताकि वे हमें, उन्हें ऐसा लगे हमें ऐसा ट्रीट करना है उनके साथ कि वो हमारे क्या है, हमारे ही फैमिली मेंबर हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड होते हैं जंगली, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जंगल में वो रहते हैं। द एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। द एनिमल्स, खुल के धीमान ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूं, और खुल फिंगर रखो बुक पे, यहाँ पे मैं रीड करवा रही हूँ। तो क्या बोला है, द एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। कुछ एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज जंगल। फॉरेस्ट को, आपको पता है कि फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, उसको जंगल भी बोलते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज जंगल। फॉरेस्ट को जो है वो जंगल भी बोला जाता है, जंगल के नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो फॉरेस्ट में देखो कौन कौन से एनिमल जो रहते हैं, वो कौन कौन से एनिमल हैं, फॉक्स। फॉक्स कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। तो ये क्या है, वाइल्ड एनिमल है। नेक्स्ट क्या है, टाइगर। नेक्स्ट क्या है, टाइगर। नेक्स्ट क्या है, लाइन, LION, लाइन, LION। तो ये सारे क्या हैं बच्चे, ये सारे हैं वाइल्ड एनिमल। ऊपर हमने पढ़े पेट एनिमल, उससे पहले हमने पढ़े थे डोमेस्टिक एनिमल। ओके, तो ये थे वाइल्ड एनिमल। एक्स्ट्रा में क्या लिखा है, द डॉक्टर दैट ट्रीट एनिमल्स आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर और सिंपली वेट्स। तो जो डॉक्टर जो हैं वो पशुओं का इलाज करते हैं, जानवरों का इलाज करते हैं। दिव्यांश क्या हो रहा है ये, जो जानवरों का इलाज करते हैं उनको ट्रीट करते हैं, जब मींस कि जब एनिमल जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं तो तब उनका जो इलाज करते हैं, जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं उनको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर। क्या बोलते हैं उनको, वेटनरी डॉक्टर और सिंपली वेट्स। और क्या बोलते हैं उनको, वेट्स।
तो जो जानवरों का इलाज करते हैं उनको हम बोलते हैं डॉक्टर। जानवरों का इलाज करते हैं उनको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर। क्या बोलते हैं उनको? वेटनरी डॉक्टर। सो बच्चे सी इन द नेक्स्ट पेज हम करेंगे नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में बताया है कि केयर ऑफ एनिमल और एनिमल कि एनिमल्स की केयर जैसे कैसे करनी है, एनिमल की देखभाल जो है वो कैसे करनी है। तो क्या लिखा है? एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। एनिमल्स भी क्या है? हमारे जो है वो फ्रेंड्स हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। वी मस्ट केयर फॉर देम एंड लव देम। हमें उनके क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके साथ जो है वो प्यार करना चाहिए। उनको मारना नहीं है हमें। वी शुड नॉट टीज और हार्म एनिमल्स। हमें एनिमल्स को तंग नहीं करना है, उनको खतरा नहीं, मतलब उनको मारना नहीं है, उनको दुखी नहीं करना है, टीज नहीं करना है उनको। व्हेन एन एनिमल इज सिक वी शुड टेक केयर इट टू द डॉक्टर। कि व्हेन एन एनिमल इज सिक, जब कोई एनिमल जो है वो बीमार हो जाता है, वी शुड टेक इट टू द डॉक्टर। हमें उसको जो है वो जल्दी से उसको जो है वो उसके डॉक्टर के पास लेके जाना है। जैसे आपने घर में पेट्स पाले होते हैं, डॉगी पाले होते हैं ना आपने भी, आपका डॉगी जब बीमार हो जाता है तो आप उसको जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाते हो ना। वैसे ही अगर कोई भी एनिमल जो है बीमार हो जाता है तो हमें जो है उसकी केयर करनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। और जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेटनरी डॉक्टर। क्या बोलते हैं उसको? वेटनरी डॉक्टर। तो सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने कलर्स अपने पास रखेंगे, क्रियॉन्स कलर। अपना बैग ना आप अपने पास ही रखा करो। तो सभी बच्चे जो हैं वो अपने क्रियोन्स कलर अपने पास रखेंगे। डेटेड राइट कर लेनी है आपने, 28-09-21 क्लास वर्क। एंड डे इज ट्यूजडे। प्रैक्टिस जोन 4 है। कलर द पिक्चर गिवन बिलो। राइट W फॉर वाइल्ड, D फॉर डोमेस्टिक एंड P फॉर पेट एनिमल्स। हमें यहाँ पे देखिए एनिमल्स की जो है वो पिक्चर दी गई है, तो आपने क्या करना है? इन एनिमल्स की पिक्चर को जो है वो कलर करना है। और जो हमने क्या करना है, जो वाइल्ड होंगी जंगली जानवर होंगे उनके लिए W लिखना है, जो डोमेस्टिक है उनके लिए D लिखना है, और जो पेट है उनके लिए हम P राइट करेंगे। तो सी हियर, फर्स्ट नंबर पे देखिए हॉर्स की पिक्चर है, तो हॉर्स क्या है? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक के लिए हम यहाँ बॉक्स में क्या राइट करेंगे? डी। डी राइट करिए बॉक्स में। नेक्स्ट है पिक्चर जो है वो बफेलो की है, तो हम यहाँ पे के राइट करेंगे बफेलो नहीं है ये काओ है। ये भी डोमेस्टिक एनिमल है, बफेलो है या काओ है ये भी क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर है लॉइन की, तो लॉइन क्या है? वाइल्ड एनिमल, तो क्या राइट करेंगे हम यहाँ पे? W। और लास्ट में जो है वो पिक्चर है डॉगी की, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे P, बिकॉज इट इज अ पेट एनिमल। सभी स्टूडेंट्स अब जो है वो पिक्चर में कलर करेंगे, अच्छे से कलर करनी है सभी ने फिर।
सॉरी बच्चे। बच्चे सभी ने अच्छे से कलर फिल करने हैं, बाहर भी निकालनी है कलर। अच्छे से करेंगे बच्चे कलर फिल। प्रितुल बच्चे कलर करिए।
नक्श नितिन बच्चे कलर करिए, शो मी, डन। ओके तो अब अपनी नोटबुक निकालिए और प्लेसेस अराउंड योर होम लर्न करेंगे। जिन्होंने कलर कर लिए है ना कंप्लीट, वो अपनी ईवीएस की नोटबुक निकालेंगे और जो है वो प्लेसेस अराउंड योर होम कि आपके घर के आसपास जो है वो कौन से प्लेसेस हैं वो आप लर्न करोगे। बच्चे कलर करिए, जिन्होंने कलर कर लिए हैं वो प्लेसेस अराउंड योर होम जो है वो लर्न करेंगे। आराध्या गुड डन बच्चे। तो अब जो है प्लेसेस अराउंड योर होम जो है वो लर्न करेंगे कि आपके घर के साथ साथ जो है वो कौन कौन से प्लेसेस हैं। डन कनक गुड, अपनी नोटबुक निकालो और लर्न करो और जिनके कैमरास बंद हैं कैमरा ऑन कर लेंगे। ये नक्ष आराध्या आरुष मीत भाटिया कहाँ घूम रहे हो आप? बैठ के क्लास लगाया करो ना, क्यों घूम रहे हो इधर उधर?
रिद्धि गौरा लर्न कर लो। अगर कलर हो गए हैं तो लर्न कर लो। प्लेसेस अराउंड योर होम, कि आपके घर के पास जो है वो कौन कौन से प्लेसेस हैं। और बच्चे सभी स्टूडेंट्स जो है वो अपना टेस्ट किया करिए और होमवर्क भी सभी भेजा करो। आपको डेली बोला जाता है पर फिर भी नहीं आप अपना टेस्ट करते हो, ना ही आप होमवर्क सेंड करते हो। थोड़े से बच्चे ही करते हैं टेस्ट, पर भी 34 स्टूडेंट्स ने ही टेस्ट किया था। और ये प्रियांश सारी क्लासेस अटेंड किया करो। शानवी लर्न करो। शानवी लर्न करो प्लेसेस अराउंड योर होम। नोटबुक लो अपनी ईवीएस की। प्रितुल नींद लग पड़ी है। सक्षम आप क्यों रोते रहते हो? सक्षम अनम्यूट योर सेल्फ। हर क्लास में मैं देखती हूँ आपको, आप रोते ही रहते हो, क्यों? सक्षम अनम्यूट योर सेल्फ। क्यों बता, अब क्यों मारते हैं? बता। क्यों मारते हैं? आप पढ़ाई नहीं करते हो? बता, करता है कि नहीं करता? पढ़ाई नहीं करते हो तभी मारते हैं ना, बोलो। यस जवाब दे मैम। अब। पढ़ाई करनी है बच्चे तब नहीं मारेंगे। और ये दिव्यांश फिर से नींद लग पड़ी ना, अब तो मैंने कर ही देना तेरे को रिमूव क्लास से। दिव्यांश रात को नहीं सोते हो आप?
अर्नब ठाकुर अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे। अर्नब यस ठाकुर, मैम। अर्नब ठाकुर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने हॉलीडेज की थी ना, तो आपने प्रीवियस जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है? कर ओके सारा काम कंप्लीट कर लेना है पीछे का, क्योंकि बुक्स भी मंगवाई जाएंगी आपसे स्कूल में चेकिंग के लिए ना, रहा हूँ तो मैम। पीछे का पूरा काम जो है वो कंप्लीट करना है आपने। ओके ओके मैम। और टेस्ट जो है वो डेली देना है और होमवर्क भी डेली सेंड करना है। लर्न करिए प्लेसेस अराउंड योर होम, कि जो आपके घर के आसपास जो जो प्लेस होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने लिखा है बैंक, मार्केट, टेंपल, शॉप, चर्च, मॉल, पार्क, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन। आरती मैम ने भी करवाए होंगे आपको, तो आपने जो है वो वहां से लर्न कर लेने हैं। तो किसी ने अगर नहीं लिखे हैं तो वो यहाँ से लर्न कर लेंगे, राइट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।